हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी को पता होगा कि कल से जेएमएन 2021 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो कल जिसका भी एग्जाम है, आप सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जो न्यू कैंडिडेट्स रहते हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, और एक डर भी रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। तो आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है सेंटर में, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ईच एंड एवरी अपडेट्स फ्रॉम अस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, सबसे पहले आप लोग का एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाएगा, और आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप लोग का रूम नंबर इतना है, और आप लोग का एक फ़ोटो भी क्लिक किया जाएगा। फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग का सिस्टम नंबर इतना है, और आप लोग को गाइड भी कर दिया जाएगा, और आप लोग को उस सिस्टम में बैठा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग सिस्टम में बैठेंगे और आपके डिस्प्ले में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आप लोग का सिस्टम नेम दिखाएगा, और सिस्टम नेम दिखाने के बाद आप लोग का आपका नाम भी शो करेगा। नाम शो करने के बाद आप लोग का फोटो भी शो करेगा। इनकेस अगर आप लोग का आपका फ़ोटो या नाम शो नहीं करता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा टीचर को। उसके बाद सामने में आप लोग को एक टाइमर भी शो करेगा, और जैसे टाइमर में टाइम पूरा हो जाएगा आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप लोग का पहले से यूज़र नेम लिखा रहेगा, और नीचे पासपोर्ट की जगह आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे लिखना है, सपोज़ आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 2002, तो 25 बीच में कोई स्लैश या डॉट नहीं देना है, डायरेक्ट 11 और उसके बाद 2002, कोई बीच में स्लैश या डॉट नहीं देना। उसके बाद तुरंत लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आप लोग अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में है, तो अगर आप लोग को हिंदी में करना है, बंगाली में करना है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग को 180 मिनट मिलेगा, ये सब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोग को कुछ कलर, यहाँ पर कलर दिया रहेगा, बताया रहेगा कि आप लोग को इस कलर का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर वाइट कलर है, तो वाइट कलर मतलब होता है अगर आपने किसी क्वेश्चन को अभी तक विजिट ही नहीं किया तो वो वाइट कलर का हो जाएगा। रेड कलर मतलब जिसका आपने आंसर नहीं दिया वो रेड कलर का हो जाएगा, और जिसका आंसर आपने दे दिया वो हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का। तो ऐसे ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप लोग को ये बहुत सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैसे आप लोग को नेगेटिव मार्क्स दिया जाए, कैसे आप लोग को आंसरिंग करना है। तो सबसे नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर भी आप लोग का नेम दिखाएगा, कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद एग्जाम नेम, जैसे उसमें आप लोग को बीटेक शो करेगा, फिर सब्जेक्ट नेम, उसके बाद रिमेनिंग टाइम, यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग भी दिखाएगा। जैसे टाइमिंग खत्म होगा, आप लोग का जो ये पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। उससे पहले आप लोग सबमिट नहीं कर सकते, और साइड में आप लोग का फोटो भी शो करेगा। फिर नीचे में जाने के बाद आप लोग का क्वेश्चन शो करेगा, जो भी आप लोग का करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पर वो सबमिट, जो भी आप लोग का 1 2 3 ABCD जो भी आप लोग का करेक्ट है उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर। और अगर आप लोग को उसका आंसर अभी नहीं देना है तो सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू, तो इसमें ऐसे, और अगर आप लोग को ये आंसर नहीं आता है तो मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे, नेक्स्ट में करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चले जाओगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो कोई आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप लोग को वहाँ से भी गाइडलाइन दिया जाएगा, सेंटर में भी आप लोग को गाइडलाइन बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे स्टेप करना है आप लोग को, तो आप लोग को कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो से रिलेटेड या IT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। एंड वंस अगेन, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम